तो भाई 402 रन, शाहीन शाह प्रीति भाई। ये क्या हो गया भाई, 90 रन्स भाई, 90 रन्स भाई, 10 ओवर में बंदे ने 90 रन्स दिए हैं। बदमाशी है। और ये जितने वर्ल्ड क्लास स्टेप बॉल के क्रिकेटर्स लेके गए थे, इनका भी जनाजा तो आपने देख लिया, कैसा पढ़ाया है रचिन रविंद्रा ने। अ गाय फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु का ही लड़का है, खेल न्यूजीलैंड से रहा है। वो कॉर्नर टाइगर हो जाते हैं, कुत्तों की तरह मार खाई है कॉर्नर टाइगर्स ने। तौबा, पार्लियामानी लफ्ज आपने यूज, तौबा तौबा कॉर्नर पाकिस्तान टीम को रज कर दिया, वो कूटा गया है न्यूजीलैंड के हाथों। कोई थोड़ी सी कह लो कि शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है, लेकिन ना जाने वो कहां होती है। पाकिस्तान टीम टेस्टेड चीजों को दोबारा से ट्राई कर 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 90 रन्स दिए हैं। अबे भाई, आज तो हमें यकीन था कि भाई पाकिस्तान खुद नहीं तो अफगानिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान क्या नाम है, कौन सा जूनियर है, ये जूनियर ने बचा लिया तुम लोगों को, नहीं तो भाई आउट ही नहीं होना था उन लोगों ने। उन्हीं दो बंदों ने जो है वो लंका लगानी है तुम लोगों की। लेकिन भाई आज कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तुम्हें अपना जज्बा बाहर निकालना है। कब तक जज्बा अंदर रखोगे, तुम्हारा जज्बा कब बाहर आएगा? आज जीतना है तुम्हें, आज तुम्हें ये टारगेट चेस करना है। अगर वाकई में तुम पाकिस्तानी हो तो आज तुमने ये टारगेट चेस करना है। इसकी साजिश, टूर्नामेंट में 23 साल की उम्र में 3 सेंचुरीज मार चुका, इंग्लैंड को बर्बाद कर चुका, आज पाकिस्तान का जनाजा पढ़वा दिया। निकलो आज तुम लोग बाहर, आराम से निकालेंगे। इसलिए दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे ज्यादा रन है वो बॉलर के, बॉलर के 439 439 कौन है, हारिस राउत। हम कहते रहे टेपिया, लोग समझते रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शायद पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हाँ। शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जानबूझ के टारगेट करते हैं। हाँ। पता करना क्या चाहिए, अब कुछ नहीं कर, इसकी शादी रोक दो। हाँ। ये जो शेरवानी, हमने क्या कहा था, ये इंडिया सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी करनी है, खरीदारी, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं। सबसे घटिया से खेलने वाली पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लेगेसी की धज्जियां उड़ा दी आज हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और एक वसीम जूनियर है जिनके ऊपर बुराई करने का दिल नहीं करता। वो कर लेगा, वो होगा, ये कर लेगा, बाबर अभी सीख रहा है, वो ये कर रहा है। ऐसे नंबर वन का मैं अचार डालूं शाहीन शाह अफरीदी की नंबर वन रैंकिंग का, कि आज ऊपर से विकेटें नहीं निकली तो आपकी पूरा जो बॉलिंग अटैक है वो एक्सपोज हो गया। हम बांग्लादेश के खिलाफ जश्न मना रहे थे, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था मत ज्यादा उछलो आसमान से ऊपर। जो बात मुझे बांग्लादेश के गेम में पता थी वो बात इन महाबल्लेबाजों को, सबसे इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के सबसे बड़े क्रिकेटर्स को, इनसे ना बेहतर बैटर, इनसे ना बेहतर कैप्टन, इनसे ना बेहतर कोच, ना इनसे बेहतर बॉलर, इन लोगों को ये बात क्यों नहीं पता थी कि जब न्यूजीलैंड आपके पास आएगा वो आपको फेटा लगाएगा फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में। ओवर कॉन्फिडेंस की मिसाल देखेंगे, बॉलिंग कॉर्नर तो कॉर्नर टाइगर्स को दुम्बो की तरह, चलो छोड़ दो, दुम्बो की तरह मार खाई, बोरी में बंद करके मारा। सर मुझे इतराज है, दुम्बी कर रहे, दुम्बा ना कर, दुम्बा माइंड कर। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, 90 रन्स शाहीन शाह अफरीदी, नंबर वन आईसीसी ओडीआई बॉलर। हमारी किस्मत में यही है भाई, नंबर वन बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द रैंकिंग। बात करेंगे कर कर, और पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है इस टाइम। अगर आप बात करें, चले लगाएं आप दोबारा से एक बार फिर से ये देखते हुए कि हारिस रऊफ साहब ने कितने रन जो है वहां पर दिए थे,
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब हारिस रऊफ साहब खेल रहे थे, क्या हशर करके रख दिया था ऑस्ट्रेलिया ने हारिस रऊफ साहब का, लेकिन नहीं खेलेंगे तो हारिस रऊफ खेलेंगे, खेलेंगे तो हसन अली खेलेंगे, नहीं खेलेगा स्पिनर नहीं खेलेगा। कंडीशंस को बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम ने यूटिलाइज किया, बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान टीम ने पेस अटैक खिलाया और उस पेस अटैक ने बेहतरीन किस्म का जलवा दिखाया। शर्म से डूब मरने का मकाम है, लाइए कोई ढूंढिए, कोई ए बी टीम लाइए, सी टीम लाइए, डी टीम लाइए, दाऊद साहब कोई डी टीम न्यूजीलैंड लाए। आज न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल भारत फर्स्ट। तो पाकिस्तानी नंबर वन बॉलिंग कहे जाने वाले पाकिस्तान के नंबर वन कागजी नंबर वन बॉलिंग को न्यूजीलैंड के बैटरों ने नानी याद दिला दी, पाकिस्तान के बॉलरों के धागे खोल दिए। जिस तरीके का न्यूजीलैंड ने बैटिंग किया, 402 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य पाकिस्तान को दे दिया, जो चेस करने में पाकिस्तान की नानी याद आ जाएगी, क्योंकि 402 रन कोई बच्चों का खेल नहीं है। और पाकिस्तान के बॉलरों को मार मार के बुरा हाल कर दिया। न्यूजीलैंड के बैटरों ने रचिन रविंद्र और केन विलियमसन दोनों के पार्टनरशिप ने पाकिस्तानी बॉलरों के धागे खोल दिए और शाहीन आफरीदी को 90 रन 10 ओवरों में, हारिस रऊफ को 85 रन 10 ओवरों में, हसन अली को 80 रन 10 ओवरों में, सलमान आगा को 2 ओवरों में 21 रन, यानी कि पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग के छक्के छुड़ा दिए। जिस तरीके का न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो नॉकआउट मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है और आज वो दिखा भी, क्योंकि आज जिस तरीके की न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, ऐसे 402 रन नहीं बनते और 402 रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो भी पाकिस्तान के सामने, भले ही पाकिस्तान की कैसी भी बॉलिंग हो, लेकिन 402 रन वो भी बेंगलुरु के स्टेडियम पर बहुत ही मैच मीनिंग स्कोर है ये। और पाकिस्तान इस स्कोर को नहीं चेस करता और हारिस रऊफ जिससे सभी बैट्समैन खौफ खाते थे, वही हारिस रऊफ को, रऊफ का वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा पथेटिक जा रहा है, बहुत ही ख़राब वर्ल्ड कप हारिस रऊफ का जा रहा है। और हारिस रऊफ पहले बॉलर बने इस वर्ल्ड कप 2023 में जिन्होंने 16 छक्के खाए हैं सभी मैचों को मिलाकर, ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसने 16 छक्के खाए हो, हारिस रऊफ ने 16 छक्के खाए और क्या ही बैटिंग देखने को मिली। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की तरफ से दोनों ने बहुत ही शानदार पार्टनरशिप लगाई, जिसमें केन विलियमसन ने 95 रन मारे अपने शतक से चूक गए, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि केन विलियमसन के आने से न्यूजीलैंड की टीम कितनी स्ट्रांग हो जाती है, कितनी न्यूजीलैंड की टीम को बैटिंग में डेप्थ मिलती है, कितना बैटिंग में केन विलियमसन न्यूजीलैंड की टीम को हेल्प करते हैं, वो आज आपको देखने को मिला। और साथ में रचिन रविंद्र युवा प्रतिभा जिसको हम एक भाषा में बोले तो न्यूजीलैंड का प्रिंस कह सकते हैं हम, एक तरफ था न्यूजीलैंड टीम का किंग केन विलियमसन, उसके साथ थे केन विलियमसन के साथ थे रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड का प्रिंस कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार तीसरा शतक रचिन रविंद्र ने इस वर्ल्ड कप में लगाया, वो भी अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में पहला ही वर्ल्ड कप रचिन रविंद्र का है, पहला शतक इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा शतक अफगानिस्तान के खिलाफ और तीसरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ। वो जिस तरीके की शॉटें खेली, जिस तरीके की कवर ड्राइव लगाई, सभी तरह की शॉटें रचिन रविंद्र के पास, और रचिन रविंद्र मूल तो भारतीय ही है तो भारतीय ही पाकिस्तान की बजाते, और आज भी पहले केशव महाराज ने बजाई पाकिस्तान की, आज रचिन रविंद्र जो कि भारतीय मूल के उन्होंने आज पाकिस्तान की बजाई, और बॉलिंग में भी इस शॉटी जो कि भारत से ताल्लुक रखते वो भी आज पाकिस्तान की बुरी तरह से बजाने वाले। और इंग्लैंड ने एक मैच विनिंग स्कोर खड़ा कर दिया है, 402 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर, और न्यूजीलैंड ने पहले अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में स्कोर लगाया था, वो था 393 रनों का, और आज इस स्कोर को न्यूजीलैंड ने तोड़ दिया है। 402 रन पाकिस्तान के खिलाफ लगाकर न्यूजीलैंड ने अपना ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में रनों का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। और न्यूजीलैंड की तरफ से देखो तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, सभी बैटरों ने रन बनाए, सभी ने अच्छी और इम्पैक्टफुल पारी खेली, जिसमें मार्क चैंपियन ने अच्छी इम्पैक्टफुल पारी खेली, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की तरफ से हमें बहुत ही शानदार एक इनिंग देखने को मिली 41 रनों की, और सैंटनर ने जो लास्ट ओवर में शाहीन आफरीदी का जो हाल किया है बहुत ही बुरा हाल कर दिया सैंटनर ने, जो सैंटनर ने ऑफ साइड में जो छक्का लगाया यार, मतलब कि बहुत ही आसान शॉट नहीं था, बहुत ही कठिन शॉट था, और उसको मिस्टर सैंटनर ने बहुत ही आसान बना दिया और ऑफ साइड में बहुत ही बढ़िया शॉट खेला और छक्का लगाया, वो यार मैच ऑफ द शॉट था, क्योंकि शाहीन आफरीदी की बॉल पड़ के अंदर आ रही थी, और जिस तरीके की
शॉर्ट मिचल सेंटर ने खेले बहुत ही लाजवाब किस्म की न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग देखने को मिली। अब बॉलिंग में भी न्यूजीलैंड के बॉलर बहुत ही ज़्यादा पंपड अप होके आएंगे, जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, मिचल सेंटर, रिस चोडी सभी शुरुआत में बहुत ही घातक बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी ओपनर को आउट कर देंगे न्यूजीलैंड के बॉलर, क्योंकि न्यूजीलैंड को इंडिया में खेलने का तजुर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है आईपीएल का, किस तरह से बॉल करनी है, कैसे बल्लेबाजों को आउट करना है, कैसी फील्ड सेट करती है करनी है किस तरीके से। और केन विलियमसन खास तौर पर इस मैच में खेल रहे और वही कप्तान है, तो पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीत सकता और पाकिस्तान हार गया आप लिख के ले लो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।